साल के मोहम्मद आतिफ ने रखा रमजान का 30 रोजा। बोलता बिहार न्यूज मीडिया अशोक कुमार ठाकुर। तेघड़ा बेगूसराय, भीषण गर्मी के बाद भी मासूम बच्चे शिद्दत के साथ गर्मी में रोजा रखकर इबादत कर रहे हैं। 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर में रोजा 14 घंटे से अधिक का होने के बाद भी छोटे से दूर बड़े लोग भी रोजा मुश्किल से रख पाते हैं, ऐसे में इन बच्चों का हौसला काबिल तारीफ है। रमजान का महीना 11 मार्च से चालू होकर 10 अप्रैल 30 दिनों तक जारी रहा। रमजान मार्च और अप्रैल महीने में पड़ने के कारण इस बार गर्मी भी तेज है। चिलचिलाती धूप के साथ दोपहर में गर्म हवाएं चलने से गर्मी और तपिश भी मुस्लिम समाज के बच्चों के हौसले को कम नहीं कर पाए। छोटे छोटे मासूम बच्चे रोजा रखने में पीछे नहीं है। हर सुबह 3 बजे जब घर के लोग सहरी के लिए उठते हैं, तो बच्चे भी उठ जाते हैं। सहरी करने के बाद बच्चों द्वारा नमाज अदा की जा रही है। रोजा रखने के अलावा बच्चों द्वारा अपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी की जा रही है। 8 साल के बालक मोहम्मद आतिफ पिता मोहम्मद असफाक द्वारा रमजान के 30 दिनों से लगातार रोजा रखा जा रहा है। बच्चों ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए परिजन में परिवार के लोग रोजा रखने से मना करते हैं, लेकिन रमजान का पवित्र महीने में लगातार रोजा रखकर समाज में एक मिसाल पेश की जा रही है। वही बच्चे के छोटे चाचा इश्तियाक ने बताया कि रमजान के इस पाक महीने आतिफ ने भी पूरे 30 रोजा रखकर इबादत कर रहे हैं।